गोपालगंज के पूर्व डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में दोषी आनंद मोहन की रिहाई को लेकर लगातार लोग मांग कर रहे हैं। एक बार फिर से यह मामला तूल पकड़ रहा है। लोग इस मामले को लेकर जमकर ट्वीट भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आनंद मोहन की रिहाई होनी चाहिए। आनंद मोहन जो फिलहाल सहरसा जेल में बंद हैं, एक जिलाधिकारी की हत्या मामले में वह दोषी पाए गए थे, जिसके बाद वह सजा काट रहे हैं। वहीं अब आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है आनंद मोहन की रिहाई। उनकी रिहाई को लेकर लगातार उनके परिवार के लोग मांग कर रहे थे। पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और विधायक चेतन आनंद ने भी इसको लेकर क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए। संगठनों द्वारा आनंद मोहन जी के रिहाई के लिए एक मांग उठी है और ट्विटर पर हैशटैग होना शुरू हो चुका है, ट्रेंड होना शुरू हो चुका है। हैशटैग रिलीज आनंद मोहन, हैशटैग जस्टिस फॉर आनंद मोहन। और सभी लोगों को पता है कि अभी हाल फिलहाल में हमारी दादी जो 97 की हो चुकी हैं, उन्होंने कोरोना को हरा करके आज अपने बेटे के लिए इंतज़ार कर रही हैं कि वो अपने बेटे को जेल से बाहर निकलते हुए देख सकें। हमारे नाना, मेरे पिता के ससुर जो थे, वो 101 के उम्र में अपने दामाद को बाहर निकलता हुआ देखने की तरस में चले गए। ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और कम से कम अब उस माँ के लिए, हमारी दादी के लिए, ताकि वो अपने बेटे से मिल सकें, अपने बेटे को जेल से बाहर आते हुए देख सकें, उसके लिए हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्विटर पे आएँ और ये जो ट्रेंड चल रहा है उसमें अपना। तो आपने सुना किस तरीके से चेतन आनंद ने तमाम मामलों को लेकर खुलकर बातचीत की है। उन्होंने मीडिया को बताया है कि उनकी रिहाई होनी चाहिए। दरअसल जिस तरीके से उनके परिवार के जो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं, वह राह देख रहे हैं कि कब आनंद मोहन जेल से बाहर आएंगे। आनंद मोहन की माँ खुद कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, हालांकि अब वह ठीक हैं। वहीं उनके ससुर जो हैं, वह बीते दिनों उनका निधन हो गया था, वह भी चाह रहे थे कि आनंद मोहन की अब जेल से रिहाई हो जाए। लेकिन इस मामले को लेकर आज ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है और चेतन आनंद ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी है। तमाम लोग, परिजन जो उनके हैं, आनंद मोहन हो या फिर उनके भाई, उनकी बहन या फिर बाकी परिवार के सदस्य, वो लगातार आनंद मोहन की रिहाई की मांग कर रहे हैं। अब आनंद मोहन जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए बन रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।